हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगी सिंपल और इजी नारियल के पकौड़े की रेसिपी। आप इसे शाम को नाश्ते में बना सकते हैं या फिर दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं खाने में और बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर आधा जो नारियल है उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसके पीछे जो छिलका होता है उसको भी मैंने निकाल लिए हैं। प्याज लिया है एक, अदरक लहसुन लिए है स्वाद अनुसार, अब आप थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं। हरी मिर्ची लिए है और यहाँ पर मैंने लिए हैं गोविंद भोग राइस, जो कि मैंने पानी में भिगो कर रख दिए थे। उसके बाद इसे छान कर बिल्कुल सूखा बना लिए हैं। तो प्याज को छोड़कर सभी चीज़ों को हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो नारियल, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने पीसने के बाद इसमें मैंने चावल का जो पाउडर बनाया है उसको ऐड किया है 2 चम्मच के करीब, और कटा हुआ मेरा एक प्याज है। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, स्वाद अनुसार हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच, मैंने बेसन ऐड किए हैं जिससे हमारे जो पकौड़े बनेंगे वो बिल्कुल महीन बनेंगे और तेल में देने के साथ साथ ही बिल्कुल बिखरेंगे नहीं। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। मीडियम हीट पर हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाने तक बस फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो जितने आ जाएंगे हम उतने ही तेल में देकर इन्हें फ्राई कर लेंगे। कुछ देर के बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से हल्की सी ब्राउन हो जाने तक बस फ्राई कर लेंगे। आप इसे शाम को चाय के साथ बना सकते हैं। तो ये मेरे नारियल के जो पकौड़े हैं वो फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं तेल से उठा लूँगी। बहुत ज़्यादा आप ब्राउन होने तक फ्राई ना करें, इस तरीके से फ्राई करें। तो इन सबको मैंने तेल से उठा लिए हैं, अब इसी तरीके से हम और भी फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम गरम गरम सर्व करेंगे, चटनी या फिर केचप के साथ आप खाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।